ध्यान से सुनेंगे ना, बातें नहीं करेंगे। मेरे साथ आए हुए हैं मैडम आशा गुप्ता, इस विद्यालय के समस्त सम्माननीय शिक्षकगण, सम्माननीय पालकगण और बहुत ही प्यारे बच्चे। इस वातावरण में आकर ही मजा आ जाता है। मतलब जहाँ आप लोगों का हंसता हुआ खिला हुआ चेहरा देखते हैं तो हमको उत्साह से भर देता है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ये स्कूल में आते हैं ना आप लोग, क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। और पढ़ने से क्या होगा, आपके आने वाले जीवन में जब पढ़ लोगे तो बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, है ना? तो मुख्य उद्देश्य वही है ना कि हम पढ़ लिख के अच्छा करें, जिससे हमारा जीवन क्या रहे, खुशहाल रहे। तो वो जो खुशहाली की चाबी है इस विद्यालय में, कहाँ है? विद्यालय में है। तो आप लोग मस्त स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर से विद्यालय आइए। आप लोगों को अच्छा शिक्षा देने के लिए हमारे शिक्षक हैं, ये सारी सुविधाएं हैं, पुस्तक है, गणवेश है, कोई भी प्रकार की कमी आपको हमारे विद्यालय में नहीं होगी। तो अभी आप जैसे जिंदगी जी रहे होंगे घर में, मुझे लगता है आपके माता पिता बाहर से काम करने आए हैं, ऐसी बात है ना? आप लोग यहाँ से नहीं है, किसी अन्य जगह से आए हैं। तो एक आप लोगों के लिए संघर्ष की जिंदगी है। वो संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप लोग पढ़ लिख के कामयाब नहीं होंगे। कहाँ से तैयार होगा? यही से। कामयाब होने का अर्थ केवल यही नहीं है कि आप एक शासकीय सेवा नहीं रहे। सफलता का पैमाना केवल शासकीय सेवा नहीं है। क्या जो शासकीय सेवा में नहीं है वो सफल नहीं है क्या? सचिन तेंदुलकर का नाम कितने लोग सुने हैं? शाहरुख खान का नाम कितने लोग सुने हैं? नरेंद्र मोदी का नाम कितने लोग सुने हैं? सुने हैं ना? तो क्या ये कामयाब लोग नहीं? उनका नाम कितने लोग सुने हैं? रतन टाटा का नाम कितने लोग सुने हैं? सुने हैं ना? तो इनमें से कौन शासकीय सेवा में, यहाँ बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी वो भी शासकीय सेवा में नहीं है। वो 5 साल तक थे, 5 साल अभी 1 साल खत्म होगा, अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है? लेकिन शासकीय सेवा मतलब जो नौकरी कहते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, इन लोग हैं ये सब शासकीय सेवक हैं। चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, डिप्टी कलेक्टर हो, है ना, डीओ हो, डीएमओ हो, ये सब क्या है? शासकीय सेवक हैं। तो आप लोगों के मन में जनरली ये बातें आती हैं कि अरे अच्छे घर के लोग ही शासकीय सेवा में जाते हैं, शासकीय सेवा में जाने के लिए बहुत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप इसी स्कूल में भी पढ़ के जो चाहे वो बन सकते हैं। लेकिन चाहत किसकी होनी चाहिए? मेरी की आपकी? आपकी चाहत होनी चाहिए। और कोई चाहत होने से कुछ नहीं होगा, चाहत के साथ प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपको उतना महत्वाकांक्षा के साथ मेहनत भी करनी होगी, तभी आप जाके सफल होंगे। तो मन में कोई भी प्रकार का निराशा मत रखिए, आपके पास खोने को कुछ नहीं है, जीवन में केवल आपको पाना है। और यदि
यदि आप नहीं पाएंगे तो अपनी गलतियों की वजह से नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से आप एक नया लक्ष्य बनाएंगे और नए उत्साह के साथ विद्यालय आके पढ़ाई करेंगे और हम ऐसे ही हर दिन साला स्वामी उत्सव जैसे सकारात्मक माहौल में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तैयार हैं आप? जोर से बोलो। ओके, थैंक यू। और इसी क्रम में आगे हमारे बीच सीमा परिवर्तन में आप स्वागत करेंगे हमारे पार्षद महोदय जी को। इसी क्रम में मैं हमारे बीच सीएससी सर को बुलाना चाहूंगा। हमारे बच्चों को दो सब के रूप में प्रेरित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय पार्षद सर को बुलाना चाहूंगा। बच्चों के लिए दो सब साथी बच्चा के धन्यवाद हमारे बच्चों को आशीर्वाद संत के रूप में दो सब बताए और निश्चित ही आने वाले समय में बच्चे सफल होंगे मैं यही कामना करता हूँ। और आज की इस कार्यक्रम को अंतिम कड़ी के रूप में लेते हुए हमारे बीच में हमारे गांधीनगर सी एस ए सर को बुलाना चाहूँगा आभार व्यक्त करने के लिए आज के कार्यक्रम। पार्षद महोदय, सम्मान्य विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे सी साथी सुनील कपूर हरी मैडम, विद्यालय के समस्त शिक्षक हैं और अभिभावक हैं हम प्यारे बच्चों, शाला प्रवेश उत्सव का आज का जो कार्यक्रम है हमारे विकास खंड शिक्षा अधिकारी हमारे पार्षद महोदय की उपस्थिति में आप लोगों के लिए आयोजित हुआ है। हमारे हम सभी के लिए ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। आज से आप लोग अच्छे से विद्याभ्यास करोगे, अपने खुद के लिए अच्छा से पढ़ाई करोगे, अपने परिवार के लिए अच्छा से पढ़ाई करोगे और इस कार्यक्रम में हमारे अतिथियों का जो आगमन हुआ है आपने अपने बहुमूल्य समय से अपना समय दिया है, इसलिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।